हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल पूजा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। लड्डू हर किसी को पसंद है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये हर त्योहार पर बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए बहुत कम सामग्री की आवश्यकता होती है, तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। ये एक सरल और आसान मिठाई है जो हर घर में बनती है, जिसे आप हर एक मिनट में बना सकते हो। मिनटों में बनने वाली मिठाई, और आप मेरी ट्रिक के साथ बनाओगे तो आपके लड्डू हलवाई की तरह बनेंगे। बेसन के लड्डू को तो देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। इसे बनाने के लिए हमने कुछ सामग्री ली है। तो सबसे पहले इलायची ली है, बादाम लिए, काजू लिए, और 3 कप बेसन, 1.5 कप घी और 2 कप बूरा। बूरा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। फिर हमने गैस स्टोव को ऑन किया है और उस पर कढ़ाई रख दी है। तो सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई को रखेंगे, और आंच हमारी कम है। अब डालेंगे हम इसमें घी। घी आप 3-4 चम्मच पहले ही डाल दो, जिसमें हम बेसन को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसमें घी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। देखिए गाइस, अब घी को हमें गर्म करना है। हल्की आंच पर घी को हिला हिलाकर चम्मच से गर्म करना है, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। देखिए गाइस, घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डाल रहे हैं हम इसमें बेसन। बेसन यहाँ हमने मोटा वाला बेसन लिया है। मोटे वाले बेसन से ही लड्डू अच्छे बनते हैं, और ये क्या है कि थोड़े से मोटा होता है तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो आप प्लीज़ मोटे वाले बेसन के ही लड्डू बनाना, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये। अब इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे कढ़ाई के अंदर। देखिए गाइस, हमने अच्छे से मिला दिया और हमारे बेसन का कलर येल्लो हो गया, क्योंकि घी में अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे मध्यम आंच पर हम पकाएंगे। इसे कम से कम 35 मिनट तक हमें पकाना है। कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। बेसन हमारा दरदरा होना चाहिए। देखिए गाइस, अच्छे से भून रहा है बेसन हमारा। हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे, ताकि बेसन नीचे कढ़ाई पर ना लगे बिल्कुल भी। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। आप 2 चम्मच घी और डाल लीजिएगा, ताकि हमारा बेसन और अच्छे से भून सके। बेसन क्या है कि इससे घी से अच्छे से फूल जाएगा, जितना ज़्यादा भूनेगा उतना ज़्यादा फूलेगा। तो हमें 35 मिनट के लिए तो इसे कंटिन्यू भूनना ही है। तो आप प्लीज़ मेरी इस ट्रिक के साथ ही बेसन के लड्डू बनाइए। आपके बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे और बिल्कुल हलवाई की तरह बनेंगे। देखिए गाइस, कुछ इस तरह हमारा बेसन हो गया। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। लास्ट में बेसन थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी सा छोड़ने लग जाएगा, तब पता चल जाएगा कि हमारा बेसन अच्छे से भुन रहा है। देखिए गाइस, इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक पकाना है, जैसे बादाम होती है उसके कलर तक हमें इसे पकाना है। हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है बेसन। अब हम इसमें जो हमारे पास काजू, बादाम और इलायची थी, उसे मैश करके कद्दूकस करके हमने इसमें डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से महक छोड़ सके। इलायची क्या है कि अच्छी खुशबू देती है और हर मिठाई में डलती है, तो आप इलायची तो ज़रूर ही डालिएगा। तो प्लीज़ आप इसी तरह बनाइए लड्डू। अब हमारा बेसन अच्छे से भुन गए हैं। हम गैस स्टोव को बंद करेंगे। तो हमने गैस स्टोव को बंद कर दिया है। ये देखिए गाइस, हमने निकाल लिया है बेसन को, जो हमारा भुना हुआ बेसन था उसे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब 2-3 मिनट के बाद में देख लीजिए, बेसन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम इसमें डालेंगे बूरा। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है बेसन को। अब इसके अंदर बूरा डाल देना है, ताकि ये अच्छे से बेसन अपना मॉइस्चराइजर छोड़ दे और बूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, आप इसको अच्छे से मिला दीजिए इसके अंदर।
इसे हमें हाथों से मिलाना है। हाथों से क्या कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए हमने इसे अच्छे से हाथों से मेश कर दिया है और इसे कम से कम आपको 10 मिनट तक यूं ही अच्छे से हाथों से मेश करना है ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए अब इसे हम घी डालकर और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस हमारे लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार है और देखिए कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं देखने में। तो प्लीज आप इन्हें मेहमानों को सर्व कीजिए और स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इन्हें 2-3 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो और कहीं भी आप किसी भी जगह घूमने वगैरह जाते हो तो इन्हें ले जा सकते हो। तो आप प्लीज़ इन्हें एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन भी आपके आता रहे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए गाइस हमारे लड्डू देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, यूं ही बनाते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा।